मैं डॉक्टर सुनीता सर डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस से गुरु नानक दास डिग्री कॉलेज से हूँ। आज मैं पीजी कोर्सेज में डिसिप्लिन फूड एंड न्यूट्रिशन के फोर्थ सेमेस्टर का फिफ्थ पेपर इंस्टीट्यूशनल फूड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करूँगी। आज का टॉपिक है वेरियस टाइप्स ऑफ फूड सर्विसेज। खाना परोसना अथवा फूड सर्विसेज एक कला है। स्वादिष्ट भोजन बनाना ही महत्वपूर्ण नहीं होता बल्कि उसे आकर्षक ढंग से परोसना भी महत्वपूर्ण होता है। प्रेमपूर्वक भोजन खिलाना व्यक्ति की मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है। इसे किसी होटल रेस्टोरेंट में ध्यान दिया जाए तो उसकी मार्केटिंग अच्छी होती है और ग्राहक उसे स्वीकृत करता है। अच्छी सर्विसेज की कुछ आवश्यकताएं हैं जो निम्न है। पहला है क्लीन सर्विंग एंड सिटिंग एरिया, अर्थात जो सर्विंग एरिया है जो और जो सिटिंग एरिया है दोनों साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसका प्रॉपरली सिलेक्टेड सर्विंग इक्विपमेंट्स, अर्थात जितनी क्रॉकरी कटलरी जो भी सर्व की जा रही है वो इक्विपमेंट्स साफ होनी चाहिए और प्रॉपर होनी चाहिए। तीसरा है नीटली ड्रेस्ड वेल मैनर्ड सर्विंग स्टाफ। इसका मतलब है कि जो भी हम जो सर्व कर रहा है जो सर्विंग स्टाफ है जो वेटर है वो नीटली ड्रेस्ड हो और ढंग से बिहेव करें। इसी को आगे बढ़ाते हुए इसमें आगे है टाइप्स ऑफ सर्विसेज। संस्था के आधार पर इसे हम संस्था के आधार पर भोजन परोसने की कुछ कलाएं होती हैं जो कि निम्न है। उसमें है जो मुख्यतः इसे तीन भागों में बांटा गया है। पहला है फूड सर्विसेज और औपचारिक सर्विसेज जिसको हम लोग वेटर सर्विसेज भी कहते हैं, और दूसरा है सेमी फॉर्मल और अर्ध औपचारिक वेटर सर्विसेज जिसमें वेटर भी होती है और सेल्फ सर्विसेज भी होती है, दोनों प्रकार की होती है। तीसरा है इनफॉर्मल सर्विसेज जिसो अर्थात अनौपचारिक सर्विसेज, और ये सिर्फ सेल्फ सर्विसेज होती है। तो इसी को इसमें जो पहला पॉइंट है हमारा फॉर्मल सर्विसेज जो औपचारिक सर्विसेज है उसको उसे उसमें सबसे पहले इसे स्टाफ द्वारा इसमें स्टाफ द्वारा ग्राहक को मेनू दिखाया जाता है। वेटर पानी नैपकिन आदि जरूरत की चीज़ें वहाँ सर्व करता है। ये सर्विसेज सामान्यतः एलाकार्ड मेनू होती है जिसमें कस्टमर भोजन सेलेक्ट करता है। ये तीन प्रकार का होता है। पहला है बैंक्वेट सर्विसेज, दूसरा है रेस्टोरेंट सर्विसेज। और बैंक्वेट सर्विसेज में एक भोजन परोसने का सबसे औपचारिक तरीका है। इसमें मेहमानों के आने पर इसे चलाया जाता है। इसमें एक से अधिक वेटर की आवश्यकता होती है। दूसरा है रेस्टोरेंट सर्विसेज या बैंक्वेट सर्विसेज के कम होती है और ये औपचारिक रूप से ग्राहक एक सुखद वातावरण में खाने का अवसर दिया जाता है। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट सर्विसेज हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, रेस्ट्रिक्टेड मेनू और तीसरा है ओपन किचन। ये ग्राहक के अनुसार अपनी कुछ इनके टर्म्स होते हैं उसके अनुसार ये लोग उसको सर्व करते हैं। दूसरा है इसका जो हम लोग उसकी बात कर रहे हैं बफेट सर्विसेज। बफेट सर्विसेज इसमें संस्था के द्वारा सारा भोजन टेबल पे लगा दिया जाता है। ग्राहक अपनी इसमें समय सीमा लिमिटेड होती है। एक निश्चित समय के बाद खाना परोसना बंद हो जाता है जैसे हॉस्टल क्लब इत्यादि। दूसरा है इसका सेमी फॉर्मल जो कि सेमी फॉर्मल सर्विसेज जिसको हम अर्ध औपचारिक सर्विसेज कहते हैं। इसमें है फास्ट फूड सर्विसेज, कैफेटेरिया है, बफेट है, रूम सर्विसेज है और ट्रैवल सर्विसेज है। ट्रैवल सर्विसेज में तीन प्रकार की होती है, रेलवे सर्विसेज, एयरलाइन सर्विसेज और बस सर्विसेज। ये हमें प्रोवाइड की जाती है, जो ट्रेन में प्रकार दी जाती है वो ट्रेन की सर्विसेज हैं। और आगे है हमारा इनफॉर्मल सर्विसेज। ये थे हमारे इनफॉर्मल सर्विसेज में इसको अनौपचारिक सर्विसेज भी कहते हैं। ये अनौपचारिक वातावरण में होती है। ये रेस्टोरेंट के गार्डन में भी इसे इस तरह के फूड आइटम्स को लगाया जा सकता है वहाँ पे खाने का। एक होटल में कैसे फिक्स्ड काउंटर होता है उसमें कस्टमर खुद ऑर्डर करता है और इसे खाना ताज़ा बना हुआ मिलता है। कस्टमर में बैठने की जगह खुद से चुनता है, अपने आप को टेबल पे सर्विंग के लिए ले जाता है। सेल्फ सर्विसेज तीन प्रकार की होती है, बफेट सर्विसेज, वेंडिंग सर्विसेज और कैफेटेरिया सर्विसेज। बफेट सर्विसेज भी तीन प्रकार की होती है और ये होती है फुल बफेट, फिंगर बफेट और फोर्थ बफेट। जो फुल बफेट होती है वो कंप्लीट मील होती है और ये कंप्लीट मील आवश्यकता के अनुसार ये किया जाता है। इसमें एक ये सेल्फ और वेटर सर्विसेज का कॉम्बिनेशन होता है। चॉइस का मेनू टेबल डेकोरेट किया हुआ और सिटिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड की जाती है।
इसके अलावा है फिंगर बफेट, ऐसा बफेट नॉर्मली टी टाइम, कॉकटेल पार्टीज और फेस्टिव ओकेजन में होता है, जहां नंबर ऑफ गेस्ट ज़्यादा होते हैं। इसमें डिस्पोजेबल प्लेट्स का इस्तेमाल होता है और मिनिमम कटरी इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है फोर्थ बफेट, इसमें किसी बिजनेस मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, डिस्को में अरेंजमेंट की जाती है और इसमें स्नैक्स और टी कॉफ़ी सर्व किए जाते हैं। नेक्स्ट है कैफेटेरिया, ये किसी प्लेट में या ट्रे में सर्व किया जाता है। इसमें प्राइस फिक्स होता है और जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मॉल में फूड कोर्ट है, इसका एक अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट है वेंडिंग, वेंडिंग ये हमारी प्राचीन विधि है। ये वेंडर और सेलर के भोजन घर पर भोजन घर पर दिया जाता था। इसमें भोजन घर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रोड साइड, मार्केट प्लेसेज, मेला इत्यादि में ये बेचते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है मोबाइल वेंडिंग और दूसरा है ऑटो वेंडिंग। पिछले 10 वर्षों में काफ़ी पॉपुलर हुआ है ये मोबाइल वेंडिंग, या किसी संस्था ऑफिस ज़्यादा प्रचलित है। इसमें कस्टमर के पास खाना आ जाता है और खाने का कॉस्ट भी कम होता है। मेन्यू जनरली लिमिटेड होता है, हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स, बेवरेजेज और सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ऑटो वेंडिंग जिसमें कि ऑटोमेटिक अथवा स्वचालित वेंडिंग मशीन की सहायता से कस्टमर खुद ही सामान सर्व कर लेता है। ये सामान्यतः एयरपोर्ट, टूरिस्ट प्लेस, मार्केट में होती है और इसे प्रयोग करने का निर्देश स्पष्ट रूप से दिखा होता है। थैंक यू।